आइए पहले हम विलयन क्या होता है इसके बारे में जानें। क्या आप नींबू जल पीना पसंद करते हैं? नींबू जल एक विलयन का उदाहरण है जो चीनी और नमक के कण तथा जल के कणों से मिलकर बनता है, और क्योंकि इसकी बनावट समान होती है ये एक समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर है। इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि विलयन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या विलयन केवल तरल पदार्थ के रूप में होते हैं? नहीं, विलयन ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु एलॉय या गैसीय विलयन जैसे वायु के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन ये विलयन आखिर बनते किनसे हैं? किसी भी विलयन को हम दो भागों विलायक सॉल्वेंट और विलेय सॉल्यूट में बांट सकते हैं। विलयन का वो घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन का वो घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है और जो विलायक में घुला होता है विलेय सॉल्यूट कहलाता है। आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझें। क्या आप आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं जानते हैं? टिंक्चर आयोडीन के विलयन को हम आयोडीन को अल्कोहल में घोलकर बनाते हैं, क्योंकि यहां हम आयोडीन जो कम मात्रा में है को अल्कोहल जो बड़ी मात्रा में है में घोलकर ये विलयन बना रहे हैं। इस विलयन में आयोडीन विलेय और अल्कोहल विलायक है। वात युक्त पेय भी एक विलयन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है। इसलिए वात युक्त पेय के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड विलेय है और जल विलायक है। आइए अब हम विलयनों के गुणों का अध्ययन करें। इसे हम एक क्रियाकल्प द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक 50 ml बीकर में टिंक्चर आयोडीन का विलयन लीजिए। क्या टिंक्चर आयोडीन की बनावट समान है? बिल्कुल, इसलिए हम कह सकते हैं कि विलयन समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या आप टिंक्चर आयोडीन के कणों को देख सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि विलयन के कण व्यास में एक नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यदि हम एक टॉर्च की मदद से इस बीकर में प्रकाश की किरण को पार करने का प्रयास करें तो आप क्या देखते हैं? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। एक फिल्टर पेपर की सहायता से इस टिंक्चर आयोडीन के विलयन में से आयोडीन को पृथक करने का प्रयास करें। क्या आप सफल हुए? नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है, और यदि हम इस विलयन को शांत छोड़ दें तब भी आप पाएंगे कि विलेय आयोडीन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनुकृत डाइल्यूटेड सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड या संतृप्त सैचुरेटेड घोल कहा जा सकता है।
आइए इसके बारे में हम एक क्रियाकल्प द्वारा जानें। दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में शर्करा मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। इन दोनों बीकरों में तब तक नमक और शर्करा घोलते रहें, जब तक आप विलयन में और नमक या शर्करा ना घोल सकें। क्या इस तापमान पर जल में घोली गई नमक और शर्करा की मात्राएं बराबर हैं? नहीं, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वो मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब यदि हम इन दो संतृप्त घोलों को 5 डिग्री अधिक गर्म करें और फिर एक बार उनमें नमक और शर्करा घोलने का प्रयत्न करें तो आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि अब घोल में हम और नमक और शर्करा घोल पा रहे हैं। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसे हम इन तरहों से लिख सकते हैं। विलयन की सांद्रता को हम प्रतिशत के रूप में इन तरहों से भी लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि एक विलयन के 200 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम शर्करा विलेय है तो क्या आप विलयन की सांद्रता परिकलन कर सकते हैं? वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोचिए और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। इस प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम विलयन के बारे में तो सीख चुके, आइए अब हम निलंबन के बारे में जानें। एक विषमांगी घोल जिसमें ठोस द्रव्य परिक्षेपित हो जाता है निलंबन सस्पेंशन कहलाता है। उदाहरण के लिए एक बीकर में 50 ml जल लें और इसमें एक चम्मच चौक के चूर्ण को कांच के छड़ की सहायता से घोलें। आप क्या देखते हैं? ये घोल एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ चौक का चूर्ण के कण घुलते नहीं है बल्कि विलायक जल की समष्टि में निलंबित रहते हैं और इन निलंबित कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। इस क्रियाकल्प द्वारा हम निलंबन के ये गुण धर्म देख सकते हैं कि एक, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। अब यदि हम इस निलंबन में एक टॉर्च की सहायता से रोशनी की किरण को पार करें तो ये पाएंगे कि ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। और यदि हम इस निलंबन को शांत छोड़ दें तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं।
अब अंत में यदि हम एक फिल्टर पेपर की सहायता से इस निलंबन को छाने तो हम आसानी से चौक के चूर्ण को जल से पृथक कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि निलंबित कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। आइए अब हम आखिरी प्रकार के विलयन कोलाइडल विलयन के बारे में जानें। एक 50 ml बीकर में जल लें। अब इसमें दूध की कुछ बूंदें डालें। आप क्या देखते हैं? दूध के कण जल में समान रूप से फैले हैं। क्या आप दूध के कणों को देख सकते हैं? नहीं। लेकिन यदि हम एक टॉर्च की सहायता से इस विलयन में से रोशनी की किरण पार करने का प्रयास करें तो पाएंगे कि दूध के कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। इसलिए देखने में ये विलयन समांगी मिश्रण लगता है, लेकिन वास्तव में ये विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। इस तरह के विलयन कोलोइडल विलयन कहलाते हैं। आइए अब हम कोलोइडल विलयनों के गुणधर्मों को देखें। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक कोलोइडल विलयन विषमांगी मिश्रण है। दो, कोलोइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। तीन, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। चार, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई हैं। यदि हम फिल्टर पेपर से इस कोलोइडल विलयन को छाने तो क्या हम दूध और जल को पृथक कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलोइड को छानन विधि से मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, क्या आप एक और मजेदार बात जानते हैं? परिक्षिप्त कण जो कि कोलोइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और वो घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलोइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यहां आप इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आपको विलयन, निलंबन और कोलाइड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड की अच्छी समझ हो गई है। अगले वीडियो में हम मिश्रण के घटकों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स का अध्ययन करेंगे।